नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की महारैली से। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की महारैली हुई है और महारैली होने के बाद अब इस सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस की ये महारैली सफल हुई है, क्या कांग्रेस की इस महारैली का असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। जी हाँ, कांग्रेस ने जो महारैली की है, महंगाई को लेकर जो बात की गई है, कई मुद्दों को लेकर जो बात की गई है, इस महारैली का असर अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में दिखता नजर आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस की इस महारैली में लोग जुटे थे। जनता की भीड़ ये बता रही थी कि जनता किस तरह बड़े स्तर पर आज कांग्रेस को समर्थन दे रही है, किस तरह आज जनता आज ने बता दिया कि वो भी कांग्रेस के साथ खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में ही बैठी है और विपक्ष में रहकर जिस तरह से जनता के मुद्दों को उठा रही है, जिस तरह से जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, ये बताता है कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह से हालात जो हैं वो बिल्कुल अब अलग होते नज़र आ रहे हैं। मौजूदा समय की स्थितियां अलग होती नज़र आ रही हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल यहां पर जनता ने अब मन बनाया है कांग्रेस को मौका देने का। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं चुनाव उनके हाथ से ना निकल जाए। लेकिन जनता का रुख देखकर तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वाकई इस बार बदलाव हो रहा है, और बदलाव जिस तरह से हो रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि जनता अब ये मन बना चुकी है कि हम कांग्रेस को एक मौका जरूर देंगे, प्रियंका गांधी की मेहनत को सफल बनाएंगे, जिससे बड़ा फर्क अब दिखता नजर आ रहा है। चलिए, आज के लिए तो ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।